हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है वाटर गेम पॉइंट मर गाइस। आज हम काफी दिनों के बाद में, काफी टाइम के बाद अपने पास लैंड रोवर रेंज रोवर यहाँ पे डिफेंडर आई हुई है। इसकी करने वाले ऑफ रोडिंग। काफी टाइम से हमने ऑफ रोडिंग की वीडियो नहीं बनाई थी, तो यहाँ पे आज आ चुके हैं। यहाँ पे पीछे लिखा हुआ डिफेंडर, आगे भी डिफेंडर लिखा हुआ है। काफी भारी भरकम गाड़ी गाइस यार, और इसकी रेव जो है ना काफी बढ़िया है, और आवाज तो कुछ सुनो यार, सस्पेंशन भी काफी ओके हैं। और यहाँ पे आप आवाज सुन सकते हो इसकी। माय गॉड गाइस यार, काफी ज्यादा पावर के साथ में आती है डिफेंडर। यहाँ पे आवाज ही सुन सकते हो आप गाइस यार। तो हमें जाना है माउंट चिलर पे, तो यहाँ पे चलते हैं गाइस जल्दी जल्दी। ये तो काफी ज्यादा फास्ट चलती है यार। यहाँ से गाइस यार हमें मुड़ना है थोड़ी दूर में। एंड गाइस यार ये 3 डोर नहीं है, ये 5 डोर वर्जन है, आप देख लो। और कुछ मस्ती इसके साथ करने वाले हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे चढ़ा के देखते हैं कि यहाँ पे चढ़ पाती है या नहीं। बाकी गाइस यार लैंड रोवर की तरफ से काफी बढ़िया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कह रहा हूँ, प्रोडक्ट है। यहाँ पे काफी बढ़िया गाड़ी होने वाली है यहाँ पे, और थोड़ी भारी भरकम होने की वजह से गाइस यार यहाँ पे काफी जो प्रॉब्लम आ सकती है, बट हम नहीं आने देंगे गाइस यार। क्या फूट गया इसका गाइस, नीचे टच हो गई थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, यहीं से अभी ऊपर भी चढ़ा के देखते हैं। एंड गाइस यार एक टायर ऊपर के साथ में बढ़िया से चढ़ गई गाइस यार। ये तो कार मतलब गजब प्रोडक्ट है गाइस यार। यहाँ से एक बार नीचे भी उतार के देख ही लेते हैं गाइस। और भाई आराम से बढ़िया से निकल गई है यहाँ से। तो इधर काफी बढ़िया गाड़ी है यहाँ पे लैंड रोवर की। और भैया ये कहाँ पे आ गई पुलिस। चलो गाइस यार फ्रैंकलिन को फिलहाल कोई डर नहीं है अभी। तो गाइस यार यहाँ पे माउंट चिलर पे जाने वाले हैं, जल्दी से चलते हैं गाइस। काफी टाइम से इस रास्ते पर नहीं आए थे, अभी फिर से आ चुके हैं हम ऑफ रोडिंग के वीडियोस लेके आपके लिए। और भाई सस्पेंशन चेस्ट देखो यार, यहाँ पे गाइस यार काफी दमदार कार है। और थोड़ा सा यहाँ पे बेंड नजर आ रहा होगा आपको बीच में से, बिकॉज गाइस यार ये टच हुई थी, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे लेके चलते हैं फिलहाल अभी से गाइस यार। ये अपने पास आज कार बढ़िया है, तो क्यों ना गाइस यार ऑफ रोडिंग दमदार की जाए। यहाँ से एक बार में यहाँ पे चढ़ जाने वाली है, देखो शॉर्टकट गाइस यार, शॉर्टकट काफी बढ़िया है। यार ये इसके जो ग्लास पैनल है ना ऊपर छत पे लगा, वो भी काफी बढ़िया सनरूफ के साथ, एक छोटे छोटे दो लगे हुए हैं सब पीछे की तरफ आप देख सकते हो। चार चांद लगा रहे हैं इस कार को, बाकी यार काफी एयरी एयरी फील होता है अंदर। और गाइस यार एग्जॉस्ट इसके काफी ज्यादा पावरफुल है। एक्चुअली में क्या राज है वो मैं बता देता हूँ। फ्रैंकलिन ने यहाँ पे ट्यूनिंग करवाई है इस एग्जॉस्ट की, पूरी कार की ट्यूनिंग करवाई है, तो आप समझ सकते हो कस्टमाइजेशन कितनी हो रखी है। ओ भैया ओवर कॉन्फिडेंस गाइस यार ड्राइविंग के लिए खतरनाक है, यहाँ पे फ्रैंकलिन वही कर रहा है। एंड गाइस यार काफी ज्यादा जो है यहाँ पे कार गर्म हो चुकी है, मुझे पता है गर्म हो चुकी है कार, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे वीडियो को पूरी करेंगे। यहाँ पे गाइस यार आप देख पा रहे होगे, देखो कार का एक टायर ऊपर है। और भैया ये तो झूले की तरह झूमती है यहाँ पे भी गाइस यार। रोल इसकी काफी बढ़िया है गाइस यार, उठ गई थी यहाँ से ऊपर, मैंने देखा था अभी। वो भी यहाँ से बिल्कुल स्लो डाउन प्रोसेस से गाइस यार गुजारेंगे इस कार को। बाकी यार आवाज सच में ऐसा लगता है कि स्पीकर लगाए हूँ। तो यहाँ पे भैया एक बार में यहाँ पे चढ़ने वाली है, मुझे पूरा यकीन था गाइस यार। तो यहाँ पे पूरा टॉप पे लेके चलेंगे माउंट चिलर के। तो भाई साहब आप देख सकते हो कितनी ओवरलोड है, तो पावर काफी ज्यादा है यहाँ पे। और कभी कभार गाइस यार गाड़ी उठ भी जाती है आगे से। ओ भैया डैमेज हो गई, चलो कोई बात नहीं गाइस यार, बम्पर उठ गया है यहाँ पे। थोड़ा सा रिपेयर करने के बिना तो यार आगे बढ़ेंगे नहीं, बस ऐसे कार अच्छी नहीं लगती है। और गाइस कुछ सिनेमैटिक भी आपको बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले इंटीरियर देख लो। यहाँ पे अंदर बैठ के तो ऐसा लगता है यार क्या ही चीज है ये। वो दो दो छोटे छोटे पैनल्स मैं आपको बता रहा था जो यहाँ पे, अभी सिनेमैटिक्स की बारी है। तो यहाँ पे सिल्वर कलर में गाइस यार कार काफी ज्यादा जो है बीस्ट लग रही है, बट फिलहाल अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है ये गाइस यार। फिलहाल तो लैंड रोवर डिफेंडर जो है वो काफी अच्छे से चढ़ रही है, बट अभी आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है।
यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो यहाँ से चढ़ा के देखते हैं कि ऊपर चढ़ पाती है या नहीं यहाँ से। तो भैया एक टायर ऊपर, और भैया सिंपल प्रोसेस से गुजरना है यहाँ पे से, और बड़े आराम से यहाँ पे ऊपर चढ़ गए। थोड़ा सा इसने स्लिप किया, बट वो गाइस यार मैंने ब्रेक लगा दी थी बीच में से। यहाँ पे एक बार दोबारा यहाँ से चढ़ा के देखते हैं कि यहाँ पे चढ़ पाती है कॉर्नर से या नहीं। एंड गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड चढ़ चुकी थी, बट ग्राउंड क्लियरेंस की कमी के कारण, बिकॉज गाइस यार थ्री डोर होती तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती, बट अपने पास है फाइव डोर वर्जन। और भैया कार देखो पूरी उठ चुकी है, और भाई पलट गई थी यार, इतना भी फ्रैंकलिन को रिस्क नहीं लेना चाहिए गाइस यार। भाई यार यहाँ पे कार पूरी उठ रही है बीच में से पीछे से, देख लो आप भाई साहब, माय गुडनेस गाइस यार कार जो है पलट चुकी है यहाँ पे आपके सामने। तो गाइस यार काफी बढ़िया तगड़ी चीज है यार, लैंड रोवर पलटती काफी ज्यादा है। एंड गाइस यार ये तो बार बार मतलब वहीं पे आके अटक रही है। चलो छोड़ो गाइस यार, आगे बढ़ते हैं हम अपनी ऑफ रोडिंग की, कंटिन्यू करते हैं वीडियो। यहाँ पे आगे भी देख सकते हो बढ़िया सा मोड है, तो यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर से मोड़ेंगे इसे गाइस यार, बिल्कुल कॉर्नर से लगा कर मोड़ना है हमें। यहाँ पे कॉर्नर से भी बढ़िया चढ़ जाती है। यहाँ पे गाइस यार जो हैंडलिंग है वो काफी बढ़िया है, और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाने वाला हूँ मजेदार, जो कि आप आगे वीडियो में देखोगे। यहाँ पे जल्दी से वहां पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ अच्छा। तो गाइस यार ये वो ट्रैक जो पे काफी पतला है, अगर यहाँ से नीचे गिरे तो यहाँ पे पतली गली से हमें गुजरना पड़ेगा। तो गाइस यार यहाँ पे मोड़नी है ये कार पूरी यही इसी ट्रैक पे, आप देख सकते हो काफी खतरनाक कुछ ऐसा, और बैक भी इसी ट्रैक से लेके आएंगे। तो यहाँ पे ब्रेकिंग्स का काफी इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो गाइस यार कार मुड़ तो चुकी है, अभी बैक से साइड से देखते हैं मुड़ सकती है या नहीं। और यार मैं क्या देख रहा हूँ, ये डेंट पड़ा है या अच्छा डोर खुला है, कोई बात नहीं बंद कर लेंगे बाद में से। मुझे लगा डेंट पड़ गया, और यहाँ पे डेंट पड़ चुके हैं यार, क्योंकि ऑफरोडिंग के वक्त यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही रहता है। यहाँ पे बिल्कुल नीचे उतर चुकी है एक टायर, और गाइस यार बड़े आराम से मोड़ेंगे लैंड रोवर डिफेंडर का वाला टायर। गाइस यार काफी खतरनाक है ये चीज, तो अभी लेके चलते हैं बस आगे। और गाइस यहाँ पे अपने डिफेंडर जो है मुड़ चुकी है बड़े आराम से, ये तो काफी अच्छा प्रोसेस है। और भैया अपने फ्रैंकलिन भैया के ड्राइविंग स्किल्स पे आपको काफी ज्यादा गर्व जो है यहाँ पे होने वाला है। तो भाई सॉप ये क्या कर दिया गाइस यार, लैंड रोवर डिफेंडर यहाँ से साइड से मुड़ चुकी है थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर आप देखोगे। तो इसको क्या करते हैं गाइस यार, इसको रिपेयर कर लेते हैं ताकि ये काफी जो है अच्छी दिखे कार हमारी। और सामने आप माउंट चिलर देख पा रहे होंगे गाइस यार, वहाँ पे हम बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे कार काफी ज्यादा साउंड कर रही है, और गाइस अगर आप ये साउंड सुनोगे ये काफी बढ़िया है साउंड है, यहाँ पे काफी आवाज सी आपको सुनाई दे रही होगी, कोई बात नहीं चलो जल्दी से लेके चलते हैं कार को यहाँ पे ऊपर। और भैया सस्पेंशन की बात क्या ही करें गाइस यार, काफी बढ़िया सस्पेंशन है इसके, मतलब मक्खन गाड़ी चलती है। प्रीमियम नेस के साथ में यहाँ पे ऑफरोडिंग स्किल्स पूरी मिलेंगी आपको यहाँ पे, देखते हैं ऊपर चढ़ पाती है नहीं, देखते हैं फिर नहीं दूसरी साइड पार्क कर देंगे इसको। और सीढ़ियों की तो ये स्पेशलिस्ट है गाइस यार, यहाँ पे ऊपर लेके चलते हैं भैया। एंड गाइस फाइनली क्लैपिंग फॉर फ्रैंकलिन भैया, यहाँ पे लेके आ चुके हैं डिफेंडर को फाइनली इतनी ऊपर तक। गाइस यार ले जाना कोई आम बात नहीं है, काफी मुश्किल टास्क है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको इसलिए वीडियो में, जय हिंद जय भारत।